नमस्कार, जय जवान जय किसान। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। भैया, क्या आपने भी सुना है आलू का पौधा होता है, आलू का पौधा लगाया जाता है? अभी फ़िलहाल में हम आ चुके हैं केयर बेयर एग्रीकल्चर आलू लैब पे। तो अभी यहाँ पे हमारे साथ आलू वैज्ञानिक राहुल पाल जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हो, आखिरकार ये क्या है? ये आलू है, और ये आलू है ये किस स्टेट का आलू है, और किस किस क्वालिटी का आलू यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। और इस छोटी सी वीडियो में आप लोग सारी वैरायटियों के बारे में जान पाओगे। तो बैक कैमरे से स्टार्ट करेंगे और जानेंगे यहाँ पे कौन सी वैरायटी का आलू किस प्रकार से सबसे पहले शुरुआत किया जाता है। तो चलिए बैक कैमरे से भैया से बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, जानकारी आपको सभी आलूओं की वैरायटी की ज़रूर मिल जाएगी। ये आप लोग देख पा रहे हो, ये सामने है आलू लैब। यहाँ पे आलू का जो बीजा वगैरह है तैयार किया जाता है। और इधर हम आ चुके हैं खेत में, और ये आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर कई प्रकार की वैरायटियाँ लगी हुई हैं। तो हमारे साथ आलू वैज्ञानिक राहुल पाल जी हैं। भैया ये बताइए, हमारे दर्शकों को हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये मोटी मोटी सी कुड़ी बनी है, और इनमें क्या है, ये क्या क्या तैयारी हो रही है? जी सर, किसान भाइयों को नमस्कार, मैं राहुल पाल जी। इसमें जो है, जो हम लोग टिश्यू कल्चर से आलू बीज रेडी करते हैं जी, तो उसको हम लोग इंसेक्ट नेट में लगाते हैं जी। नेट हमारा फार्म पे है जी, जी। वहाँ पे नेट में कैपेसिटी फुल हो गई, फिर हमने इसको ओपन में लगा दिया। अच्छा अच्छा, अच्छा। ये भी प्लांट वेल मैच्योर है, इसमें भी 100% होगा। तो ये जो टिश्यू कल्चर से जो पौध रेडी होती है जी, जी। मतलब जैसा कि अभी आप बता रहे थे, पौध आलू का भी पौध लगाया जाता है। तो सर, जो लैब में लास्ट जो आपने वीडियो बनाई थी, अभी हाँ, आप हाँ। कहेंगे इसी वीडियो में वो बॉटल वाले प्लांट, बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ, इस वीडियो में आप लोगों को भी जो वो बॉटल वाला प्लांट है वो भी देखने को मिल जाएगा, अभी मैं ऐड कर दूंगा। पहले हम लोग इसके बारे में जान लें, कौन सा प्लांट इसमें लगाते हैं वो भी दिखाएंगे। तो ये है कुफरी नीलकंठ। अच्छा, ये कुफरी नीलकंठ आलू का ये पूरा का पूरा लाइन, ये वाइट जो है, ये हाँ। जो ये लगे हैं छोटे छोटे प्लांट जी, ये जो जितने भी प्लांट लगे हैं ये हाँ। सारे कुफरी नीलकंठ लगे हैं। ये कितने दिन में तैयार हो जाएगा? ये सर अभी कम से कम अभी दो से ढाई महीना लगेगा, दो से ढाई महीने लगेगा हाँ। तो अभी कौन कौन सी वैरायटियां यहाँ पे लगी हैं? ये वाला कौन सा है सर? इसमें लगभग यहाँ पे 8-9 वैरायटी ये लगा है, कुफरी बादशाह का। कुफरी बादशाह, ये भी बादशाह है, ये भी बादशाह है। और ये क्या है? ये आप लोग देख पा रहे हो, ये नीलकंठ हाँ, ये भी, ये रो भी पूरी कुफरी, ये नीलकंठ की लगी हुई है, नीलकंठ की लगी है पूरी लाइन। और ये जो है, ये राई सोना की लगी हुई है, राई सोना हाँ। अच्छा अच्छा, ये सोना हाँ, ये कहा है? पुखराज हाँ, ये लाइन पूरी पुखराज की लगी है, पूरी पुखराज की, ये है। भी पूरा पुखराज लगा हुआ है, ये भी पूरा पुखराज लगा है। और ये, और ये अभी देख रहा हूँ, ये जो कुफरी बादशाह करके आता है। अच्छा, कुफरी बादशाह इसमें हाँ, लगा है, इसमें पूरा कुफरी बादशाह लगा हुआ। ये क्या लगा है? ये सर लगी है कुफरी मोहन। अच्छा, ये कुफरी मोहन हाँ, ये वैरायटी, ये पूरी की पूरी लाइन कुफरी मोहन की है। और ये भी मोहन है, ये भी मोहन, ये भी मोहन। अब जैसे इसको लगभग 20 दिन हो गए हैं, तो प्लांट इस टाइप के हो गए हैं जी, जी है ना, थोड़ा पत्ती बनने लगी है जी। ये, ये भी नीलकंठ ही है, ये भी नीलकंठ लगा, नहीं नहीं सॉरी, ये कुफरी मोहन है। अच्छा, ये कुफरी मोहन हाँ, यहाँ से इधर मोहन है। और ये, ये नीलकंठ है, ये नीलकंठ की लाइन है हाँ, हाँ, हाँ। और ये लाइन, ये भी नीलकंठ हाँ, ये भी नीलकंठ है, ये इस पे लिखा है, ये भी नीलकंठ है। अच्छा, ये भी नील, यहाँ मोस्टली नीलकंठ लगा है। ये होगा सर, ये सारी लाइनें कुफरी बादशाह की लगी हुई। अच्छा, ये कुफरी बादशाह की है, जो कि किसान भाई ये लोग ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये रूट इसकी बहुत हल्की होती है जी, जी। है ना, ये हल्की होती है। अब इसको यदि हम हटाएंगे हाँ। ये पौध है आलू की? ना ना ना, बिलो सर, इसमें आलू भी होना चाहिए, अभी इतने बड़े बड़े आलू हो जाएगा। अरे सर, क्या बात करते हैं, अरे ये देखो, ये आलू लग गया है इसमें, ये आलू आप लोग नन्ना सा आलू दिखाई दे रहा है आपका, ये जो देख रहे हैं, ये पहले इसको कोकोपीट में रेडी करते हैं, ये आपकी ये कोकोपीट निकली है। अच्छा अच्छा, और ये देखिए, इसमें आलू लग गया ना, आलू लग गया, एक आलू ये लगा है, एक 12 ये फूटा, ये फूटा, और ये साइड है ना, अरे
हाँ हाँ, तो ये जो है इस टाइप से इसमें आलू लग चुके हैं, मतलब ये 20 दिन का हो गया है। हाँ हाँ। और ये जो है अब कैसे सबसे पहले यहाँ पे कहाँ से आया, अब आप लोगों को हम वो दिखाते हैं। चलते हैं आलू लैब के अंदर, आप लोगों को वो भी दिखाने का फुल प्रयास करेंगे इस आलू को कैसे ये खेत इतना स्ट्रांग है सर। इतना छोटा प्लांट लगा है लेकिन इस समय अच्छे प्लांटों में तो झुलसा लग रहा है, बट इसमें नहीं लग रहा है। हाँ हाँ, इसमें झुलसा नहीं लगा है, ऐसा क्या देख रहे हैं कोई, ये बहुत स्ट्रांग रहती है। इसमें जो है जैसे ये कोरोना हुआ है तो लोग जो डॉक्टर लोग कहते हैं जो यंग होगा उसको कोरोना नहीं होगा, उसी प्रकार ये जो है इसका अंदर का इम्यून सिस्टम बिल्कुल यंग है, यंग है तो, और उसी प्रकार ये तो लेट लगा था, ये स्टार्टिंग में लगा हुआ है। ये क्या है, सेम वही है, ये भी बीज तैयार हो रहा है ना। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ये फर्स्ट टाइम का। हाँ, बिल्कुल फर्स्ट, ये स्टार्टिंग में लग गया था, ये हमारा थोड़ा किसी कार्य में थोड़ा लेट हो गया। अच्छा अच्छा, तो हाँ हाँ, इसमें कितना कितना बड़ा बड़ा हो गया दिखाना भाई। अभी इसमें भी अभी होगा तो छोटा ही। अच्छा है ना। हाँ, अभी तो इस्तेमाल ही होगा, अभी चाहे ना भी हो क्या करें, ट्यूमर तो होंगे ही होंगे। कौन सा आलू है ये? जे बी नीलकंठी है। अच्छा, नीलकंठ सर है। अभी ये हो रहे हैं, अभी तैयार हो रहा है ना, अभी हो रहा है। अच्छा, अच्छा। अभी नहीं है इसमें ट्यूमर, अभी तो हो रहा, अभी है, हो रहा है। जी सर, जी सर। तो ये सब आलू का बीजा यहाँ पे तैयार किया जाता है। तो चलिए लैब के अंदर चल के दिखाते हैं आपको कि जो आलू का बीजा है वो कैसे तैयार किया जाता है, और सबसे पहले ये कहाँ से लगा? कहाँ से, मतलब ये प्लांट जो आया है, ये पौधे जो आई है वो कहाँ से आई है, चलो लैब के अंदर आपको दिखाते हैं। अभी फ़िलहाल में हम लोग खेत से आ चुके हैं आलू लैब में। अब हम लोग अभी जैसा कि खेत में देख के आए थे कि इस प्रकार से आलू सबसे पहले निकाल के कैसे खेत में ले जाया जाता है, तो चलिए अंदर देखते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अंदर, और आलू लैब के अंदर हम लोग प्रवेश कर लैब के अंदर आ चुके हैं। जैसा कि अभी आप लोगों को मैंने दिखाया था कि किस प्रकार से आलू जो है आपका जो है मतलब खेत में पौध लगाई जाती है वो कहाँ से जाती है। तो हमारे साथ आलू वैज्ञानिक राहुल जी हैं, और अभी भैया बताइएगा जो हमने अभी आपको और आपके दर्शकों को और अपने दर्शकों को हमने दिखाया था कि जो पौध लगी थी वो कैसे लगती है। एक्चुअली अब हम लोग इस समय लैब के अंदर हैं, ऑफिस में हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एक आलू की पौध है, इस पे वैरायटी का नाम लिखा है कुफरी संगम। कुफरी संगम, हाँ, ये वैरायटी भी अभी 19-20 में ही लॉन्च हुई है। जी जी, ठीक है ना, बहुत अच्छी वैरायटी है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पे ये काफ़ी वैरायटी है, ये नीलकंठ है, ये ख्याति है, ये कुफरी मोहन है, ये फ्राई सोना है, ये कुफरी बादशाह, ये सूर्या है, ये कुफरी लीमा है, इस टाइप की। और अंदर लगभग 20-25 वैरायटीज हमारे यहाँ इधर लगी हैं अंदर, इधर ये लैब है, ये देखो ये सारा ये लैब है, इसमें भी काम चल रहा है। तो जी, जैसे आपका सर अभी आप कह रहे थे ये लोग खेत में बात कर रहे थे, ये प्लांट कहाँ से आया है? जी जी, तो अब ये प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी द्वारा, इसमें जैसा कि मेरे किसान भाई देख रहे हैं, इसमें ये रेडी हो रहा है, ये पौध रेडी हो रही है। हाँ, ये इस टाइप से ये पौध रेडी हो रही है। जी जी। अब ये पौध अभी इस साल ये नहीं लगेगी, इस साल नहीं लग पाएगी, अब ये पौध लगेगी नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर में ना, ठीक है ना, अक्टूबर में ये फील्ड में लगेगी। अक्टूबर तक इसका लैब में कार्य उस पर किया जाएगा, एक बोतल से 200-300-400 जितनी कैपेसिटी होती है इसको अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा। जी, ठीक है ना, उसके बाद ये कोकोपीट में, जो अभी आपने पीछे मेरा पॉली हाउस देखा, उसमें पूरा कंट्रोल टेम्परेचर है, इसको कोकोपीट में लगाया जाएगा प्लांट को एक महीने के लिए। जी जी, फिर जाके ये नेट हाउस में इसको हम ये लगाते हैं, फिर हमें जाके G0 इतना बड़ा छोटा छोटा सीड मिलता है बिल्कुल सबसे फर्स्ट नंबर पे सीड, तो वो फर्स्ट नंबर G0 उसको कहलाते हैं, G1 फिर G2 फिर G3 जो होता है उसको हम लोग फाउंडेशन 1 कहते हैं, फाउंडेशन 1। अच्छा जी। तो ये आप लोगों ने देखा, ये स्टेप था, यहाँ से ये आप बोतल के अंदर देख पा रहे हैं आलू का जो पौध है इसको निकाल के सीधा खेत में लगा देते हैं, और उसके बाद खेत में तैयार होता है छोटा छोटा सा ट्यूमर, उसके बाद वो G1
वो हो गया जी बात। फिर ओपन फील्ड में लगता है, फिर ओपन फील्ड में कहीं भी जाके आमतौर पे किसान लगा सकते हैं। हाँ, किसान भी लगाते हैं, वैसे तो हम ही हम मोस्टली फार्मर को G2 या G3 फाउंडेशन बन देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो तो फिर ओपन फील्ड में लगता है, G0 के बाद ओपन फील्ड के लिए रेडी हो जाता है। जी जी जी। तो जैसा कि आप लोगों ने देख पाया है, अभी फिलहाल में इस तरीके से जो आलू हैं